になったってみんなまたバゴバゴお前さんからめかしゃらせろバゴバゴバゴいいあげるドゥマスビーチめ、पूरा बीच है ये पत्थर डाल के आर्टिफिशियल बीच बनाया है ये देखो भाई ये लटों पे सब बलाएं लटकती है ना हैं चुड़ैले लटकती है ना चुड़ैले लटकती है बड़ी बड़ी चोटियों वाली अरे अब्बा चुपकली दी हमने वाह क्या तो यो लग रहा हूँ मेरे जिगर के छलों कैसे अब सब और आप देख रहे हैं Oh shit, ये क्या हो गया? Oh my god, वो तो अच्छा है कि टूटी नहीं ज्यादा जोर से यो हो गया कोई चटकी तो नहीं नहीं चटकी नहीं ये क्या हुआ है इसका ये निकल गया ये सही था मजा आया कोई ना ये रख देते हैं तो अब इंट्रो स्टार्ट करते हैं यो मेरे जिगर के चलो कैसे आप सब और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन ये गौरव जोन का बस एक ही नाड़ा निकला पड़ा है सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लाल कलर का बटन दबा के टुंग 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 देख रहा हूं पूरा कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि यार पूरा दिन उसमें हो गया तो मैंने ये उसी दिन की वीडियो बन रही जिस दिन साड़ी वाली वीडियो बनी थी आज उसी की नाइट में जा रहा हूं तो ये वाली तो दूसरी मैंने काट दी उस वीडियो से इसलिए मेरे को कपड़े भी चेंज करने पड़े कि भाई दो वीडियो सेम सेम कपड़े हो जाए तो चलते हैं आगे तो मेरे दोस्त आ चुके हैं आज फुल नाइट आउट का सीन है ये खड़े मेरे दोस्त एकदम फुल गाड़ी आ चुकी है ये आ गए अपने जिगर के छल्ले क्या हाल है भाई यो 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 ओ भाई कहाँ चल रहे हैं आज डुमस तो भाई यहाँ पे सूरत में एक है डुमस बीच सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो नंबर वन या टू पे ऐसे आती है ना हाँ नंबर टू पे है ना उसकी कहानी काफी फेमस है रात को मैंने सुना भूत भूत दिखते हैं वहाँ पे जल्द गायब हो जाते भाई अरे बाप रे वहाँ पे बीच में मैंने स्पेशल बात यह कि वहाँ की मिट्टी ना काली है क्योंकि वहाँ कहते हैं लोगों का खून अंग्रेजों के टाइम पर काफी मार धाड़ हुई थी लोगों का खून मिट्टी में मिल चुका है तो काली मिट्टी है अभी हमारा खून मिट्टी में मिलने जा रहा मिलने आ रहा है पहले भी मैंने बनाई थी है ना तुम गए थे ना एक साल पहले तो भाई मैंने वीडियो बनाई मेरे को कुछ दिखा तो मैं कैमरा छोड़ के मैं भाग लिया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और पहले वाली वीडियो देखनी एक साल पहले करीब भाई डुमस में अंदर चलेंगे बीच में ठीक है अंदर नहीं जा सकते कुछ स्टोरी स्टोरी है क्या वहाँ की कुछ स्टोरी है क्या स्टोरीज है वहाँ पे क्या बीच पे लोग चलते चलते गायब हो जाते हैं ऐसी स्टोरीज है रील्स और वहाँ पे कुछ ऐसा सुना हुआ है कि जब वहाँ पे कोई मरता है ना तो उसकी जो क्या बोलते हैं जलाते ना बॉडी जलाते ना वही जलाते और मतलब क्या शमशान घाट है वहाँ शमशान घाट भी है उधर अच्छा ऐसा है और पुलिस वाले भी मना करते हैं वहाँ पे पुलिस वाले भी अंदर जाने रात को नहीं आते अच्छा। खुद पुलिस नहीं आती उधर खुद पुलिस नहीं आती पुलिस नहीं आती है नहीं आती है और वहाँ लोग रहते हैं आसपास नहीं लोग भी नहीं रहते उस एरिया में जो हॉन्टेड है अरे बाप चलो भाई देखते हैं जिंदा वापस आ पाते हैं अगर ये वीडियो अपलोड हो गई तो जिंदा वापस आ गई नहीं हुई तो रेस्ट इन पीस लिख देना इंस्टाग्राम पे यूजर है आप ये देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम का 1.5 लाख होने वाले हैं कर देना भाई रेस्ट इन पीस कर कर के तो अभी मुर्गे हलाल होने से पहले कुछ खाना खाने से जा रहे फिर हलाल होंगे डुमस बीच पे भाई रात के 12-1 बजे भी कितनी भीड़ रहती है कौन सी जगह है वेसु देख रहे हो भाई ये दिल्ली का सीपी है नी गलत कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना और ये घंटा दबा देना टंग करके तो अभी इसमें चलते हैं डिपोर्ट में ये क्या चल रहा है कोकोनट बन रहा है लाइव कोकोनट आइसक्रीम हमारे सूरत के फेवरेट है अरे वाह मैक्सिमम ज्यादातर इनके वहाँ आइसक्रीम खाते हैं अरे वाह ये देखो लाइव घूम के बनती है यहाँ से ऑन होती है चली 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 चल गई चल गई ऐसे घूम घूम के आइसक्रीम बनती रही है ये हमारी लाइव आइसक्रीम बन रही है कोकोनट वाली इसके ऊपर ये क्या डाला है कोकोनट मलाई अरे वाह सर तो बहुत अच्छे से करा इन्होंने नहीं भाई आइसक्रीम एक नंबर है पूरा फुल कोकोनट का स्वाद आ रहा है नहीं बहुत टेस्टी है अरे वाह ये चीज है सही है भाई अरे वाह ऐसी चीज अगर दिल्ली में है तो कमेंट करके मेरे को बताओ मेरे को खानी है सलमान भाई मेरे को एक चीज बताओ मैं जब से सूरत में आऊँ ना ये चीज देखे जा रहा हूँ मेरे दिमाग से इधर आओ जैसे ये गाड़ी है ना ये देखो इसमें ये चीज क्या है ये हर गाड़ी पे लगा पड़ा है हर देखो उस गाड़ी की बगल में लाइट पे लगा पड़ा है ये देखो इधर ये देखो जैसे यहाँ पे है तो मतलब सारी नई कार हो गई
हाँ। भाई मैं तो पुराने पुराने मॉडल भी देख रहा हूँ, चार चार साल पुरानी गाड़ी में भी पे भी लगा पड़ा है, तुम्हारी गाड़ी पे भी लगा पड़ा है। भाई की सारी गाड़ियों पे 123 नंबर प्लेट है। तो गाइस अभी हम डूमस के रास्ते में पहुंचे हैं और दूर का नजारा देख रहे हो कैसा लग रहा है, पूरा हॉन्टेड। आज बादल छाए हुए हैं, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ी सी, सुनसान इलाका पूरा है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता, पूरा दूर तक जंगल ही जंगल है। डूमस जंगल में ही है ना, पूरा जंगल, और उसके बगल में समुद्र है, समुद्र। हाँ। वीडियो के बाद जिंदा बच गए तो मिलेंगे। एक गाय हेलो बोलते हुए, गायो सब्सक्राइब कर लेना गौरव जोन को, भक्के ऐसे ही है। इधर एक मस्जिद है, मस्जिद हाँ, जहाँ पर हमेशा ये मरी मस्जिद है, लेकिन हाँ यहाँ पे नमाज के टाइम पे कितने लोग पढ़ने आते और कौन पढ़ने आते वो किसी को पता ही नहीं। ये सही सीन है, हंसी आ गई, फनी मूवमेंट था, लेकिन हो भी सकता है। तो यहाँ से डूमस चालू हो चुका है भाई, देखो यहाँ से चालू, ये हॉन्टेड सारा चालू हो गया। और बंगला भी दिखाने, तो तुम बंगला कह रहे थे, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है यहाँ, ये देखो ये सारा कब्रिस्तान है, देख रहे हो पूरा, देख रहे हो पेड़ हिल रहा है, क्या हवा चल रही है भाई, आंधी चल रही है, पेड़ तो हवा से हिल रहा है लेकिन आगे सही में फटने वाला जो सीन है ना, ये खामोशी एक तुमको चेतावनी दे रही है कि चले जाओ यहाँ से, निकल लो। देखो ऊँट ऊँट भाई ऐसी बांध के चले गए, अच्छा भाई देखो पूरी भाई दूर दूर तक कोई नहीं यहाँ पे फार्म हाउस है क्या मोस्टली, यहाँ पे सब ऐसे ही काम होते हैं। तो ये भाई हॉन्टेड जगह है, पीछे भी हमारी गाड़ी, हमने कुछ बंदे बुला लिए हैं ताकि कुछ उल्टा सीधा हो ना अपने साथ, नहीं नेगेटिविटी सी आ रही है क्या, लग रही है, फील हो रही है। तो ये पूरा कब्रिस्तान है लेफ्ट साइड में, पूरा कब्रिस्तान है ये देखो, हाँ पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है मेरे को, तो पूरा जंगल कब्रिस्तान पूरा, काफी दिमाग सा खराब हो रहा है भाई मेरा यहाँ पे। और ये यहाँ पीस पीस देखे हो लिखा हुआ है पीस, ओ भाई गाड़ी आ रही है, डर गया भाई, ये कहाँ जाए जा रहे हो भाई, पूरी सुनसान सी रोड है भाई, मेरे तो हार्ट बीट चेक कर लो। तुम आए हो कभी यहाँ रात में? ना भाई। कौन खड़ा है ये सामने? वो डंडा है। बंदे डर रहे से कांच। बंगलो पे लो भाई, बंगलो पे। तो भाई यहाँ हम रुके हैं और तेज तेज हवा चल रही है मेरे पीछे, ये देखो, ये देख रहे हो कितनी तेज आंधी चल रही है, गाड़ी से कोई उतर नहीं रहा, आओ भाई बाहर आओ। उस गाड़ी से भी कोई नहीं उतर रहा, इस गाड़ी से भी नहीं कोई उतर रहा, ये देख रहे हो दूर दूर तक सन्नाटा, ये डूमस बीच है, आंधी देखो कैसे आ रही है, ये देख रहे हो। और यहाँ पे ये सच में कह रहे हैं गुजराती कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग आते नहीं, ये देख रहे हो चार इस गाड़ी में है, चार इस गाड़ी में, कोई उतर के राजी नहीं हो रहा, इनकी फटी पड़ी है, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे को तो आदत है ये, वो भागो भागो, ओ भाई पैक करो मेकअप, चलो चलो भागो भागो भागो, वो भाग लिए भाई, कैसा फील हो रहा था ना भाई, भाई सारे भाग लिए गाड़ी में, देखो यहाँ पे कुछ और बंदे भी आ गए, ये देखो ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो भाई ये लड्डू पे सब बलाए लटकती है ना, चुड़ैले लटकती है ना, लोग घर भी हैं भाई, लोग कैसे रहते हो, फटके चार हो जाते हो। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक हवेली है, जो हवेली मेरे सामने है, फटाफट वो देखो, ये वो हवेली है, देख रहे हो इसके अंदर पूरी लाइट, देख रहे हो बहुत बड़ी, जैसे फिल्मों में होती है ना वैसी हवेली है ये। और भैंस क्या कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, और ये देख रहे हो जगह कैसी है, एकदम पूरी हॉन्टेड, कोई नहीं है दूर दूर तक, बट अभी तक फिलहाल मेरे को भूत नहीं दिखा है जो तक मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी वो देखो वहाँ पे तीन लटे हिल रही हैं, देखो जूम कर रहा हूँ मैं, वो तीन लटे हिल रही हैं, वो देखना भाई भूत ना पकड़ ले आज भाई, वो लटे तीन जोड़ जोड़ से हिल रही हैं, अगर आपको दिख रहा होगा वो, देख रहे हो तीन हिल रही है, अभी भी हिल रही है वो तीन, जूम मारता हूँ जूम, अब दिखी वो तीन, हाँ ये तीन हिल रही हैं जोर जोर से, कुत्ते भौंक रहे हैं, निकलते हैं भाई, मेरे को सही सा नहीं लग रहा है यहाँ पे, सही सा नहीं लग रहा मेरे को, नेगेटिव फीलिंग सी आ रही है, बंगला वहाँ पे पूरा बंगला है भाई। गाइज ये देखो रात के 3 बजे ये लौंडे बैठे हुए हैं, देख रहे हो क्या कर रहे हैं भाई, भूत आ जाएगा भूत ओ भाई साहब देख रहे हो,
भाई डर ही नहीं है बंदों का, ऐसी रात को बैठे हुए रात के देख रहे हो, रात के 1:15 बज रहे हैं भाई। तो भाई अब सूरत में देखोगे ना तो ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स होंगे जैसे मुंबई में होते हैं ना अपार्टमेंट्स, ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं देख रहे हो पूरे। ये हमारी गाड़ी है, इसमें आज हम पूरा मार रहे हैं नाइट आउट। तो अभी आए हम भाई के बंगलो में, थोड़ा एंजॉय करेंगे। कहाँ पे है भाई बंगलो? ये देखो 123 भाई का नंबर, ये भी 123, ये भी 123 है देख रहे हो, और ये भी 123 है। अच्छा ये अपनी नहीं है इसलिए 123 नहीं है। निंजा खड़ी हुई है भाई की, निंजा दिखाते हैं। तो गार्ड सो रहा भाई का इसलिए शांत रहेंगे। तो ये निंजा है भाई की देख रहे हो, तगड़ी है भाई निंजा। दूसरी 123 है देखो, ये भी 123, ये भी 123 फॉर्चुनर भी यार, ये देख रहे हो 123, ये भी अपनी 123 भाई। ऑडी A6 बहुत प्यारी गाड़ी है भाई, क्लास है नहीं। कितने की पड़ गई थी? 52। तो अभी भाई के बेसमेंट में आया, जिम विम सब है। ये देखो समेटा हुआ है, पूल की टेबल, टेबल टेनिस है, पूरे जिम के इक्विपमेंट्स, एयर हॉकी चलता है, ये सब कुछ चलता है, लेकिन अभी कोई यूज में नहीं है। भाई कह रहे हैं छोटा सा बेसमेंट है भाई, दिल्ली में इसमें ना मान के चलो 20-20 लोग सोते होंगे इसी कमरे में। हाँ गलत नहीं कह रहा भाई, चांदनी चौक जाना कभी। भाई का गेट ही देखो भाई, ओ भाई साहब क्या आलीशान है, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है यार, पूरा नदी है। हाँ पूरा नदी यहाँ दिख रही है, वहाँ पूरी नदी है, और यहाँ से पूरा सूरत दिख रहा है देख रहे हो। भाई का घर, किचन, अच्छा किचन यूज नहीं आती नहीं। ओ भाई साहब ये किचन है, ऐसा लग रहा हुआ है भाई फुल डाइनिंग रूम, किचन डाइनिंग जो। अच्छा ये भी है, ये बारबेक्यू, बारबेक्यू हाँ, टिक्के वगैरह। हाँ ये उक्के पुक्के भाई, कितनी पाइपें पड़ी हुई है उक्के की, इधर ये सब चलता है उक्के पिक्के। तो भाई पूरी पार्टी करके आए, अभी हो रही है 2:30-3 बज रहे हैं, तो अभी फ्लैट से निकले हैं, फुल एंजॉय करा पूरी रात यार। कमर पूरी टूट गया, अब आए पूरे होटल में, अब सोते हैं। अब फिफ्थ फ्लोर पे है मेरा जो रूम है, मम्मी को अकेला छोड़ गया था, तो मम्मी सो रही हैं, अब जगाएंगे उन्हें, परेशान करेंगे। अभी बज रहे हैं करेक्ट 3। खोलो मम्मी, खोलो, खोल दिया, सो रही हो क्या? ओ गाइस तो मैं जा रहा हूँ अभी डूमस, और आपको दिखाऊंगा दिन में कैसा लगता है डूमस। और ये स्कूटी मेरे सलमान भाई ने दिया है, थैंक यू सलमान भाई अगर देख रहे हो तो स्कूटी में हम घूमेंगे। तो ये देखो दिन में ऐसा नजारा लगता है, पूरा जंगल ही जंगल है यार ये देख रहे हो। अब बीच पे चलेंगे जहाँ पे हम रात को जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, यहाँ के लोग ने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं अकेले जा नहीं पाया। आपको दिखा दो दिन में कैसा नजारा दिखता है वहाँ बीच पे, देख रहे हो वही जगह है जहाँ पे वो दो लोग बैठे हुए थे रात को, देख रहे हो कितनी सुनसान सी जगह है, और यहाँ लोग बैठे हुए थे बेवकूफ से। ये देखो यहाँ पे कुएं भी है। तो अभी और आगे चलते हैं, वहाँ पे एंड में है पूरा अपना, ये है बीच का रास्ता देख रहे हो, यहाँ चारों तरफ खाने वाने का मिल जाएगा स्टार्टिंग में। तो भाई देखो अभी बीच के रास्ते में आगे बस पहुंच गए, और ये देखो ये सारा बीच है, और सामने वो बीच है, रोड देखो कितनी उबड़ खाबड़ है। सलमान भाई ने बोला ऐसी मत छोड़ना, सलमान भाई आपकी यहाँ लगा दिया, यहाँ दूर दूर तक कुछ नामो निशान नहीं है, चोरी होगी तो आपके पैसे मैं भर दूंगा। तो ये है भाई, रात को सोच सकते हो कितना डरावना लगता है देख रहे हो, पूरा इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़े, और सड़क कैसी है देख रहे हो, यहाँ बीच की जो मिट्टी है ना वो काली है क्योंकि यहाँ कहते हैं खून मिला हुआ है। डूमस देख रहे हैं बीच, ये आ गए डूमस बीच में, ये पूरा बीच है, ये पत्थर डाल के आर्टिफिशियल बीच बनाया है, देख रहे हो ऐसे ऐसे पत्थर डाले हुए हैं, लेकिन क्या हवा चलते है यार यहाँ पे, सेक्सी यहाँ नजारा देखो एक बारी, ओ दूर दूर तक समुद्र, शिप्स दिखेंगे आपको एक दो वहाँ पे, और 2-3 नंगे नहा रहे हैं वहाँ पे, और ये बहुत दूर तक ऐसे आर्टिफिशियल बहुत दूर तक बना हुआ है, और दूर दूर तक जंगल ही जंगल। तो देखा मेरे पीछे टैटू पेटू सब बन रहा है। ओ भाई साहब ATV चल रही है यार ये तो, अरे वाह, यहाँ जितने रात में जितना खतरनाक है ना डूमस बीच, उतना दिन में खूबसूरत। यहाँ सुबह लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने, योगा वोगा करने, यहाँ कैमल चलते, मेरे सामने कैमल चल रहे हैं, और ATV राइड, मतलब फुल एंजॉय वाला बीच है ये। ओ क्या बाइक है, ये देखो बाइक है कितनी बढ़िया बढ़िया बाइक है, और वो हमारे सब्सक्राइबर वीडियोस देखते हो भाई सारी। अंकल नहीं बेटा है भाई, महिला में किंग्स होटल पे। अच्छा तो तुमने ना बोला कि मैं सोया इसके लिए। अच्छा तो भाई ये हमारे होटल में आ गए थे किंग्स होटल में, सुबह आके रिसेप्शन पे फोन कर गौरव भाई से मिलना है। ओ ऊंट भी है, ऊंट की सवारी भी होती है, गधे भी घोड़े भी यहाँ सारे है। ये देखो इसकी गर्दन पे लिखा है SAGN सजन, ये ऊंट की राइड करोगे अम्मी? नहीं ये देख रहे हो बीच यहाँ, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे गोवा में बीच था ना बागा बीच, वो थोड़ा साफ सुथरा था, यहाँ थोड़ा गंदा सा बीच है लेकिन
काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये राम प्यारी जा रही है, राम प्यारी सब्सक्राइब कर लेना। ये हाथ की कलाकारी दिखाया लड़का 10 रुपए में। देख दिखा भाई कलाकारी दिखा। अरे चाचा पीपी पीपी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में देखते हैं गौरव सर को? कौन से स्कूल में हो? कौन सी क्लास में? 9th क्लास में देखते हैं बच्चे, तो इसका मतलब काफी बच्चे देखते हैं नहीं? वो भाई यहाँ राजस्थानी भी आते हैं भाई, गुजरात में। भाई मेरे पीछे बंगला देख रहे हो कितना हॉन्टेड है, पूरा हॉन्टेड बंगला है। देखो यहाँ पे ऐसे बंगले होते हैं, आदमी रहते हैं इनमें। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक की थी। इस वीडियो में मेरे को कोई भूत नहीं दिखा। मम्मी का फोन आ रहा, आजा बेटा तेरे को भूत ढूंढना है ना, मैं तेरे को भूत दिखाती हूँ। मैं लट्ठर खाया और वो पड़ते ही ना तेरे पिछवाड़े पे तेरे को भूत चांद सितारे सब दिखाई देंगे। तो मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है। और अगर आपको असली में भूत दिखना है तो असली में भूत मेरा दिखा था गोवा वाले व्लॉग में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो जाके देखो आपको अगर भूत ढूंढना है तो। तो बाय गाइस मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जाने से पहले यूजर आप ये देख सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं स्टोरीज पोस्ट डालता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यूजर आप ये देख सकते हो। और हाँ सब्सक्राइब करके जरूर जाना यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे डेली एपिसोड्स आते हैं, अब से डेली व्लॉग आए करें और ऐसे बेहतरीन बेहतरीन आए करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, ये सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटा दबा देना टंग, इससे क्या होगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाती है जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ। तो मिलते आप सभी को नेक्स्ट वीडियो। यार मम्मी बहुत ज़्यादा गाली दे रही है, लिमिट से पार, तो मैं जा रहा हूँ। बाय बाय बक्के, ठीक है, लव यू। देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की बल्ले बल्ले, देख जिगर के छल्ले तेरे भाई की।